वाई वी शुड कम टू कार सैलिनेस कि मैंने इनको एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क दिया था कि सो मैंने इन लोगों को टाइम काफ़ी कम दिया था, बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया था, सो विच दे हैव अचीव द टारगेट एंड इट इज डन एंड आई एम थैंकफुल सो मच मैम। माना कि हम लोग थार स्टाइलिन है बट यहाँ आज हम बात करने वाले हैं 4x4x4 फोर्स गुरखा। भाई यहाँ देखो, कुछ लोग तो इसको मिनी ट्रक भी बोलते हैं। भाई ये गाड़ी हमारे पास आई है ऑल द वे फ्रॉम पंजाब से, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट शोरूम से सीधा कार स्टाइलिन दिल्ली पे ये गाड़ी हमारे पास पहुँच गई है। अब आज इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थार में तो आप सभी लोगों ने बहुत सारी मॉडिफिकेशन देखी है, बट यस गुरखा लवर्स अब बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आज हम लोग गुरखा के बारे में बात करने वाले हैं, प्लस गुरखा के लिए भी कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस लेकर के आए हैं। अब क्या करने वाले हैं, बात करते हैं भाई फ्रंट से ना थोड़ा बहुत इसको ब्लैक टच देने वाले हैं, ठीक है। अब बोलोगे ऑलरेडी ब्लैक तो है बट कहाँ, उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो भाई यहाँ पे इसके अलॉयज में हम लोग कुछ डिफरेंट वर्क करने वाले हैं, तो वो क्या होगा उसके लिए भी आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। साथ ही में मेन जो है ना इस गाड़ी का भाई वो है इंटीरियर मेकओवर। के इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं जो कि ना मतलब आप बोल सकते हो सतरंगी कलर में है, वो कैसे जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एक तो सीट्स इसकी पूरी फैब्रिक दी थी जिसके अंदर ब्लैक और रेड कलर का टच दिया है, ठीक है। डोर्स की बात करोगे तो डोर्स पे भी ब्लैक और रेड कलर का टच का फैब्रिक लगा हुआ है। साथ ही में जो प्लास्टिक है ये डार्क ग्रे है। और एक और चीज़ बताऊँ, जो इसका कंपनी ने जो लेदर दिया हुआ है ना डोर्स पे वो लाइट ग्रे है, ये अलग कलर हो गए। भाई पिलर्स और रूफ का देखोगे तो ये अलग कलर है। सेंटर में उन्होंने अपना एसी डक्टिंग भी दी है, इसका कलर अलग है। और अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें ना तो भाई इसका कलर अलग दिया है। माना कि ये गाड़ी थार से ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर बहुत ही बेसिक दिए हुए हैं। तो यहाँ इस बार इसके इंटीरियर्स में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत यूनिक कलर देखने को मिलने वाला है। ब्लैक कलर की गाड़ी है हमारे पास, तो डेफिनेटली कुछ अलग कलर करने वाले हैं। डैशबोर्ड के साथ कुछ डबल कॉम्बिनेशन करेंगे, सेंटर कंसोल पर भी काम करने वाले हैं। नीचे मैटिंग अगर आप देखेंगे तो यस थार की तरह बहुत बेसिक मैटिंग यहाँ पर दी हुई है। रूफ भी इसके अंदर करने वाले हैं और सीट्स में भी कुछ काम करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, कुछ न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ गुरखा लवर्स और बाकी कार सेलिन लवर्स जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ इस गाड़ी की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि हम इसके अंदर इस बार क्या नया करके देंगे आपको। को बेसब्री से इंतजार वो पल आ गया है क्योंकि हमारी 5-door गुरखा यहाँ रेडी हो गई है। अब बात करते हैं कि आखिर इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कर दी हैं। सबसे पहले बात करती हूँ एक बार इसके इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में पता है कि इंटीरियर इसका बहुत ज़्यादा बोरिंग है और अलग कलर कॉम्बिनेशन में था, तो भाई इस बार जो इंटीरियर देखने वाले हो ना आप बोलने वाले हो कि यस गुरखा फोर्स को भी ये कलर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं एक बार एक्सटीरियर से कि एक्सटीरियर में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलने वाली है जो कि ग्रिल को या इसके फ्रंट लुक को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। उसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिल के अंदर जो ये पीछे जाली लगी हुई है ये अलग कलर की थी, तो इसको हम लोगों ने मैच करके मैट ब्लैक कर दिया है। नीचे की तरफ भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मैट ब्लैक कलर की जाली देखने को मिलने वाली है, जो कि आप बोल सकते हो कि यस एक्सटीरियर में एक फ्रंट लुक में जो एक सिंपल एंड सोबर गाड़ी चाहिए होती है वो यहाँ रेडी करके दी है। सबसे पहले मैं एक और बात बताऊँ, इस गाड़ी की एक स्पेशल बात भी है कि भाई ये गाड़ी है
आर्मी पर्सन की, मतलब उनकी जो चॉइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसलिए आप देखो कि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की है ना इस गाड़ी के अंदर, भाई वो इस तरीके से किए कि सर की पर्सनालिटी को भी सूट करे। तो भाई फ्रंट लुक यहाँ देख सकते हैं, रूफ टॉप पे भी यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलने वाली है, माउस लाइट। अब आप बोलेंगे यार ये तो 5 आती है, आप लोगों ने 4 पेजेस कैसे लगाए? भाई हम लोगों को जब इसमें लगा रहे थे तो आपने देखा होगा कि फ्रंट में यहाँ पे आपको एंटीना दिया जाता है, तो डेफिनेटली या तो हमें लाइट बहुत ज़्यादा आगे करके लगानी पड़ती है या उसके पीछे, तो कुछ तुक नहीं बैठ रही थी। तो एट द एंड हम लोगों ने 4 पीसेज में लगाई है, तो उसका लुक भी आप यहाँ देख सकते हो और ये कुछ हटके था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, भाई यहाँ ना इस बार आप इसके एलॉय व्हील्स देखो भाई, एक तो डिज़ाइन कंपनी ने इतना ज़बरदस्त दिया था, साथ ही में उसके ऊपर हम लोगों ने कर दिया अपना कार्बन फिनिश हाइड्रो डिपिंग, वो भी ग्लॉस फिनिश के अंदर। भाई क्या लग रहे हैं इसके एलॉय व्हील्स इस ब्लैक बीस्ट के साथ ना, ये एलॉय व्हील्स ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो लुक आप यहाँ देख सकते हो, उसका जो साइड स्टेपर था वो एल्युमिनियम फिनिश के अंदर था, जो कि हमारे ना एक्सटीरियर थीम के साथ नहीं जा रहा था। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट ब्लैक लुक दे दी है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ज़बरदस्त तो इसका इंटीरियर है, जिसको हम लोगों ने कम्प्लीटली हेजलनट लुक दिया है, ब्लैक टच भी दिया है। आइए देखते हैं। तो 5-डोर गुरखा के अंदर ये इंटीरियर कॉम्बिनेशन हेजलनट ब्राउन प्लस अपना ब्लैक कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के अंदर कर दिया है। भाई एक एक लुक आप इस गाड़ी के अंदर देखना, बहुत स्पेशल की गई है और बहुत सिंपल एंड सोबर तरीके से इस गाड़ी को रेडी करके दिया है। यस, कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो भाई कलर ऑप्शंस में बहुत सारी वैरायटीज हैं। आप चाहे स्पोर्टी लुक चाहते हो या टैकी लुक चाहते हो या बहुत ज़्यादा डिटैक लुक चाहते हो, कैसे भी लुक अगर आप चाहते हो, सिंपल सोबर लुक चाहते हो, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, इवन आर्टिफिशियल लेदर के साथ साथ प्योर लेदर भी आपको यहाँ मिल जाता है, और उन लेदर्स के अंदर भी इतनी सारी वेराइटीज़ और इतने सारे कलर कॉम्बिनेशन। डोंट वरी, अगर आपकी चॉइस कुछ और है या कुछ स्पेशल है या कुछ हटके है, तो यस आप अपने अकॉर्डिंगली भी अपनी कार का इंटीरियर मेकओवर करा सकते हैं। तो भाई यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले इसकी सीट्स की। तो सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको हम लोगों ने डबल कॉम्बिनेशन में रेडी करके दिया, प्लस जो उसका डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। प्रीमियम डिज़ाइन के लिए प्लस सीट्स के अंदर थोड़ा बहुत वेंटिलेशन भी रहे, भाई उसके लिए हम लोगों ने सेंटर पे यूज़ किया अपना कम्प्लीटली परफोरेशन लेदर, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट जो पार्ट है वो हमारा कम्प्लीटली हेजलनट रहने वाला है। बैक साइड हम लोगों ने इस कार के अंदर सीट्स पे ब्लैक दी गई है। हाईलाइटेड के लिए जो थ्रेडवर्क यूज़ किया हुआ है, हम लोगों ने गोल्डन थ्रेडवर्क यूज़ किया हुआ है, ताकि हमारे इंटीरियर्स के साथ मैचिंग भी हो जाए और ज़्यादा हाईलाइटेड भी ना करें। बट ये ऐसा लग रहा है कि ये धागा सिर्फ इसी सीट्स के लिए बना हुआ है, तो वो यहाँ पे आप देखिए। साथ ही में अगर मैं इस कलर की बात करूँ या इस लेदर की बात करूँ, तो भाई ये है हमारा प्रीमियम लेदर। आर्टिफिशियल लेदर होने के बाद भी इतना प्रीमियम लेदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सीट्स की फिट एंड फिनिश भी आप यहाँ देख सकते हैं, प्लस गाड़ी में बैठने के बाद जो एक एक्स्ट्रा कम्फर्ट चाहिए होता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं ऐड ऑन करके दे दिया, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्मरेस्ट भी कम्प्लीटली हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैक करके दिया है, वो यहाँ पे आप देखिए। अब आपका इस गाड़ी में बैठने के बाद जो कंफर्ट लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुशनिंग हम लोगों ने इस कार के अंदर ऐड ऑन करके दे दिया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यार हमारी सीट्स की फिट एंड फिनिश इतनी अलग क्यों आती है मार्केट से। मार्केट में जो लूज कवर्स एंड बकेट कवर्स देते हैं उनकी फिटिंग बहुत लो लेवल रहती है, बट ये कस्टमाइज सीट कवर्स की इतनी अच्छी फिटिंग क्यों आती है, क्योंकि हम लोग हर एक सीट को OEM स्टैंडर्ड के हिसाब से, OEM टाइप के हिसाब से हम लोग सीट्स को रेडी करके देते हैं। तो यस, इसके लिए भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे आउटलेट पर आ सकते हो। यहाँ देखो, जो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है ना, इसका डैशबोर्ड ना फिनिश समझ नहीं आती है। तो भाई पूरी गाड़ी के अंदर ना हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग दे दी है, जितना भी इस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक पार्ट था। और एक और बात बोलूँ, सतरंगी कलर को अब डुअल कॉम्बिनेशन में रेडी करके दिया है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड भी डबल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलने वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस गाड़ी को हमें जो थीम देनी थी वो बहुत ही सिंपल एंड सोबर देनी थी, कलर भी हमने ऐसा चूज़ किया है। तो इस तरीके का लुक इस गाड़ी के अंदर आपको हेजलनट भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलने वाला, प्लस ब्लैक भी ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाला है। और जितने भी पार्ट्स आप ब्लैक देख रहे हो ना भाई, इसको भी हम लोगों ने लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग किया, वो भी जेड ब्लैक के अंदर। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक देख सकते हैं। और एक और चीज कहूँ, इस डुअल कॉम्बिनेशन की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए ना भाई, इस गाड़ी के अंदर हम लोगों ने काफी सारा कार्बन फिनिश किया, जो कि ग्लॉस फिनिश के साथ
मतलब मेन ऑफ अट्रैक्शन बन गया भाई। पूरा लुक देख सकते हो आप इसके, एसी पैनल का कंट्रोल देख सकते हो, प्लस जो स्टीरियो का अपर पैनल है वो आप यहाँ देख सकते हो। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। पावर विंडोज यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कह रही हूँ ना, स्पीडोमीटर पैनल यहाँ पे आप देख सकते हो, डोर्स के हैंडल्स देख सकते हो, आरसी लीवर्स देख सकते हो। मतलब यही छोटे छोटे चीजों ने इस गाड़ी के लुक को और भी ज्यादा यूनिक प्लस अट्रैक्टिव बना दिया है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग देखने को मिलेगी। मैं कहने के लिए सॉफ्ट फिल कोटिंग नहीं बोल रही, जब आप इसको टच करोगे ना आपको फील लगेगा कि लाइक यार इसके ऊपर कुछ तो लेदर लगा हुआ है, बट लेदर नहीं है, वो कोटिंग है। इसके लिए भी अगर आपको कुछ डाउट है तो यस आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर कंसोल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने कोटिंग करके दिया है, कॉम्बिनेशन करके दिया है, वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भाई यहाँ पे अब बात करते हैं हम इसके स्टेयरिंग व्हील की। यस इसका स्टेयरिंग व्हील तो सिंगल पीस में था, इस पर लेदर कैसे चढ़ सकता है? सब कुछ पॉसिबल है कार स्टाइलिन पे। कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेयरिंग को ब्लैक लुक दिया गया है, और जो थ्रेडवर्क है, जो हमारी सीट्स के अंदर थ्रेडवर्क था, वही थ्रेडवर्क हम लोगों ने इसके स्टेयरिंग पे भी दिया है। हॉर्न पैड पे यहाँ पे आपको कोटिंग देखने को मिलने वाली है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको मैट देखने को मिलने वाले हैं जो कि हमारे कंप्लीट ब्लैक है, और हमारे इंटीरियर से मैच करने के लिए पाइपिंग आउटर देख सकते हो। यहाँ पे आपको फुल लुक देखने को मिलने वाली है। पिलर्स जो थे इसके, चाहे अपर पिलर्स थे या लोअर पिलर्स थे, भाई यहाँ पे भी हम लोगों ने उसको लेदर सॉफ्ट फिल कोटिंग करके दी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हैंडल्स पे हम लोगों ने हाइलाइटेड कलर दिया गया है अपना हेजलनट, वो देखिए। मिडल रो की सीट्स की बात करूँ तो भाई मिडल रो की सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। हेडरेस का लुक देख सकते हैं, एक एक चीज़ का लुक देख सकते हैं। सीट्स का जो बैक साइड है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने डबल कॉम्बिनेशन के अंदर के जो ऊपर हम लोगों ने जो हाइलाइटेड के लिए जो पार्ट दिया है ना, पीछे से भी गाड़ी की सीट्स ना बोल रही हैं कि भाई ये है बिल्कुल वाओ। पता है एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ तो आपने थार में बहुत ज़्यादा देखी होगी बट गुरखा में बहुत कम, तो मैं दिखा देती हूँ कि वो क्या है। तो भाई यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने जी वैगन इंस्पायर्ड यहाँ पे एसी वेंट्स इंस्टॉल करके दिए हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ एसी वेंट आप कम्प्लीटली आपका ऐप थ्रू रहने वाला है, आपसे इसको आप चेंज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशन। नीचे की तरफ अगर आप फुटरेस्ट पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी आपको लाइट प्रोवाइड की गई है। तो ये कुछ यूनिक था इस गुरखा के अंदर। उसके बाद यहाँ पे अब मैं आप लोगों को उसका डोर दिखाने वाली हूँ। डोर में क्या नया किया गया है भाई, डोर पे जो लेदर हम लोगों ने दिया है वो कम्प्लीटली परफोरेटेड दिया है ताकि हमारे सीट्स के साथ मैच हो सके। रेस्ट पार्ट हम लोगों ने ब्लैक रखा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हम लोगों ने हाइलाइटेड के लिए कार्बन फिनिश किया है, तो वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। अगर ऐसा कुछ लुक आप भी अपनी गाड़ी के अंदर लेना चाहते हो या किसी भी कार के अंदर लेना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नंबर रहेगा 7271939393। सो होपफुली आप लोगों को ये कलर कॉम्बिनेशन और इस गुरखा का ये सिंपल मेकओवर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा होगा। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी डिफरेंट वीडियोस हमारे चैनल पे देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप लोगों से अनदेखी ना हो जाए। तो भाई हम लोग फिर से मिलते हैं एक न्यू कार के साथ, एक न्यू इंटीरियर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बाय बाय। सो गाइज, मीट कर्नल बाजवा जी, जिनकी ये गुरखा रहने वाली है। सर ऑल द वे फ्रॉम पंजाब हमारे पास आए हैं, और सर से जानते हैं कि सर को मेकओवर कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी बहुत ही टेस्टफुली और ग्रेसफुली इसका मेकओवर हुआ है, विच आई एम हैप्पी अबाउट। एंड द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू से कि वाई वी शुड कम टू कार स्टाइलिनस, कि मैंने इनको एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क दिया था, कि इन लोगों को टाइम काफ़ी कम दिया था, बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया था, सो विच दे हैव अचीव द टारगेट। इन्होंने मेरे को मेरे दिए हुए टाइम पर गाड़ी रेडी करके दे दी है। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि हमने गाड़ी की कहीं भी टेक्निकल ओरिजिनलिटी को हैम्पर नहीं किया है, ऑब्वियसली एस्थेटिक्स को चेंज किया है, बट जहाँ जहाँ पर भी कोई टेक्निकल चीज़ थी उसको हमने बिल्कुल हैम्पर नहीं किया है। तो यही दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, एंड इट इज़ डन, एंड आई एम थैंकफुल सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।